नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज मैं फिर से वीडियो एक लेकर आया हूँ, जो अब इसका जो इंग्लिश वर्जन मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उस इंग्लिश वर्जन के साथ साथ, मैं ये हिंदी वर्जन का भी जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। टॉपिक वो सिंपल वही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन डिवोर्स केस फाइल्ड बाय द हस्बैंड और द वाइफ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों, मैंने एक 498A के ऊपर भी एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का बनाया है। उसमें काफी लिमिटेड व्यूअर्स होने के बाद भी काफी व्यूज आए हैं। इसका मतलब है यही है कि लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो 498A केस के क्या प्रोसीजर होता है, फ्रॉम द वुमन सेल से लेकर फाइनल ऑर्डर तक का पूरा डिस्क्रिप्शन है वीडियो में। और जितने भी नए लोग हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं वो उस अगर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी लोगों की जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन जो है वो स्कैटर्ड की जा सके, ताकि किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन के अभाव में सफर ना करना पड़े। और जागरूकता भी बहुत जरूरी है आज के दौर में, इसलिए ये यूट्यूब के माध्यम से हम ये वीडियोस बार बार आप लोगों के समक्ष लाते हैं। दोस्तों, कई क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जितने भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ग्रुप्स बना रखे हैं, वहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि आगे क्या होगा, इसके बाद आगे क्या प्रोसीजर होगा, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या आगे हमें जो है जो इन्फॉर्मेशन का हमें अभाव है और हमें कौन सा रेफरेंस मटीरियल देखना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों का जो जितने भी क्वेरीज हैं वो एक वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जो क्वेरीज हैं, खासकर जो ये जो डिवोर्स का जो केस फाइल किया जाता है वो मैक्सिमम जो क्वेरीज हैं उसके हिसाब से सॉल्व की जा सके। तो आइए हम इसकी जो पूरा वीडियो का है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और उसका पूरा का जो पूरा ब्यौरा है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर टिल एंड तक का पूरा का जो वीडियो है वो इसको प्रोसीजर से उसका जो प्रोसीजर है इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष ला रहे हैं। तो देखिए, अब ये क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जब भी कोई केस फाइल करते हैं डिवोर्स का, तो कैसे फाइल करना चाहिए, किस तरीके से फाइल करना चाहिए और आगे इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, कि अधिकांश लोगों के दिमाग में जिज्ञासा रहती है, क्योंकि जाहिर है जो लोग केस फाइल करते हैं उन्होंने उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा होता इन केसेस के मामले में। तो अगर कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो के जाने से, तो वो आगे और अफेक्टिव मैनर पे वो अपने केस को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, अफेक्टिव मैनर पे अपने केस को वो असिस्ट कर सकते हैं कोर्ट को। तो इस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम इसके ऊपर पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा है डिवोर्स केस। अगर कोई व्यक्ति डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो उनको क्या क्या किस प्रोसीजर से, किस किस जो स्टेप्स के दौर से गुजरना पड़ता है, उनका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या होती है डिवोर्स केस की, इस वीडियो के माध्यम से हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, जब भी कोई केस फाइल करते हैं आप डिवोर्स का, तो उसका ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक बिना अगर कोई भी पार्टी है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर कोई ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का, तो फिर पिटीशन फाइल करना बेकार। क्योंकि जब तक आपके पास ग्राउंड है कि हाँ क्रूल्टी की है, डेजर्शन किया है, जो कोई फ्रॉड किया है या अडल्ट्री किया है, कोई भी ग्राउंड हो सकता है, तो उस ग्राउंड का पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वो आप उसको अच्छे से देख लीजिए और उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन बता रखा है वॉइड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज क्या है, सेक्शन 13 क्या कहता है, वो सेक्शन 31 पार्ट ए पार्ट बी और सेक्शन 13B क्या कहता है, ये सारे जो ग्राउंड्स हैं वो सारे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसको एक बार आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो उसका एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो मतलब जो नॉलेज है वो काफी थोड़ी सी बढ़ेगी उसमें से, अगर आप उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो। अगर आप खुद भी सप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ मटेरियल के साथ और साथ वीडियो भी देखेंगे तो और भी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले तो बिना ग्राउंड के कोई भी पिटीशन नहीं फाइल करनी चाहिए। मान लीजिए कोई हस्बैंड है और वाइफ है, वाइफ क्रूल्टी कर रही है हस्बैंड के ऊपर, या फिर 3-4 साल से अलग रह रही है, या फिर काफी अब्यूजिव इन नेचर है, या फिर कोई झूठे केस
केस लगाती हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स क्रूरल्टी के अंदर आते हैं। हस्बैंड चाहे तो वो इस ग्राउंड्स को लेके कोर्ट में जा सकते हैं और वो डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो फाइल कर सकते हैं और इसके आधार पे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो पहले तो ये तो पॉइंट, पहला पॉइंट है वो तो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए वेयर टू फाइल, अगर हम डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं, जैसे कोई हस्बैंड हुआ चाहे वाइफ हो, अगर कोई डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं तो कहाँ फाइल कर सकते हैं। तो देखिए अधिकांश कई बार क्वेरीज ऐसे भी आती हैं, देखिए लोग कहते हैं कि हाँ हमारा तो सेटलमेंट हो गया, राजीनामा हो गया, हमने एक किसी नोटरी के पास जाके जो है एक सेटलमेंट डीड बना ली, उस पर साइन करा लिया और वो अब हम अलग अलग रह रहे हैं, तो ये हमारा डाइवोर्स हो गया। तो देखिए ये बहुत गलत है, ये लीगली करेक्ट नहीं है और इलीगल है, क्योंकि बाद में इसके जो प्रॉब्लम्स है खामियाजा काफी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी आके जाके इस पे जो है वो अपोज कर सकती है, या फिर आजकल जो जो सेकंड पार्टी से अगर कोई मैरिज करते हैं तो रीमैरिज करते हैं, तो फिर जब तक पहला जो डाइवोर्स अगर वो लीगली नहीं तरीके से नहीं लिया जाएगा, वो जो डाइवोर्स होगा वो वॉइड होगा, वो इट मीन्स कि मैरिज जो है वो एग्जिस्ट करती होगी और उसमें आप बाइगेमी के चक्कर में फंस सकते हैं, आपके ऊपर 494 की जो आईपीसी की धारा है वो लग सकती है। तो इसलिए डाइवोर्स जब तक की डिग्री, जब तक कोई फैमिली कोर्ट अवार्ड ना कर दे या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट है वो अवार्ड ना कर दे, तब तक डाइवोर्स के बिना आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके हाथ में डिग्री ऑफ डाइवोर्स होना बहुत जरूरी है। जब जब भी आप अगर आप इसे समझते हैं कि हाँ डाइवोर्स हो गया है, अगर कोई डिग्री ऑफ डाइवोर्स नहीं है तो इट मींस लीगली ये समझा जाएगा कि मैरिज बेशक वो अलग अलग रह रहे हैं, पार्टीज अलग अलग रह रही हैं, लेकिन मैरिज जो है वो अलाइव है, मैरिज सब्सिस्ट कर रही है, किसी भी जो पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में, तो इस मींस जो है वो मैरिज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, मैरिज अलाइव है। तो इसलिए फैमिली कोर्ट जो बन गई है, जो पहले देखिए फैमिली कोर्ट एक्ट नहीं बना था तब तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट्स थी, जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट्स थी उनमें केस फाइल किया जाता था, लेकिन अब जो है 10 लाख जो भी आबादी है उसके अकॉर्डिंगली एक फैमिली कोर्ट बना दी गई है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए सारे मैटर्स जो हैं डाइवोर्स के, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉजिनल राइट्स के, या फिर सेक्शन 24HMA के सारे मैटर्स जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स में ही एंटरटेन किए जाते हैं। तो अब हम उनके डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले हम सिंपल इस क्वेरी पे गए हैं कि कहां डाइवोर्स का केस है वो फाइल करना चाहिए, तो फैमिली जाहिर है फैमिली कोर्ट में ही फाइल किया जाना चाहिए। अब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अब देखिए पॉइंट आता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, जो किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है डाइवोर्स को केस को एंटरटेन करने की। मान लीजिए आप एक जगह पे रहते हैं, वाइफ बी प्लेस पे रहती हैं और मैट्रिमोनियल हाउस सी प्लेस पे है, तो इन तीनों प्लेस पे आप फाइल कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और वाइफ आपकी कलकत्ता में रह रही है और जो मैट्रिमोनियल हाउस है वो मद्रास में है, तो इन तीनों पॉइंट पे जगह पे भी आप कहीं भी आकर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप डाइवोर्स इन तीनों के अलावा और कहीं जगह फाइल नहीं कर सकते कि हाँ वो मतलब किसी रिश्तेदार का दिखा रहे हैं घर की वहां रह रहे हैं, जब तक, क्योंकि जब भी आप डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे तो आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ को जो होगा वो दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो घर है या मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है वो यहां लोकेटेड है। तो इसलिए कोर्ट की, उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है जहां हस्बैंड रह रहा हो, या वाइफ रह रही हो, या फिर मैट्रिमोनियल हाउस हो रहा हो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जो भी है बन रहा हो, लेकिन इनके अलावा और कहीं आप केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगला पॉइंट आते हैं, कैन द केस बी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल केस आप ट्रांसफर कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन इस पे पहले थोड़ा सा आगे इस पे आ जाता हूं। देखिए केस दो जगह पे होता है ट्रांसफर, एक तो होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे और एक होता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे। अब जाहिर है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से दूसरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में तो होगा नहीं, तो इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है और दूसरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने के लिए नेचुरली ऐसा कोर्ट के पास ही पावर होगी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अबव होगी, तो इसलिए हाई कोर्ट के पास ही सिर्फ पावर है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे ट्रांसफर करने की, अगर वो दोनों डिस्ट्रिक्ट उसी स्टेट के अंदर लोकेटेड है। मान लीजिए अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे करा रहे हैं, मान लीजिए आप बेंगलोर में रह रहे हैं और ट्रांसफर भुवनेश्वर में कराना चाह रहे हैं, बेशक वो दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन दो स्टेट्स भी अलग अलग हैं, तो ऐसे केसेस में एक स्टेट हो गई आपकी कर्नाटका, दूसरी स्टेट हो गई उड़ीसा, ऐसे केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है केस को ट्रांसफर कराने की।
तो देखिए आप ट्रांसफर के देखिए, अगर हस्बैंड जाएगा ट्रांसफर कराने के लिए तो उसकी जो प्ली है वो हार्डली एंटरटेन की जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ प्लीज जो है ये जो बनाए गए हैं जो ट्रांसफर के वो मेजॉरिटी मतलब सिग्निफिकेंट लेवल पे हम ये कहेंगे सिर्फ वाइफ की जो प्लीज है वो एंटरटेन की जाती है। हस्बैंड को मौका जरूर दिया जाता है लेकिन वाइफ के पास ये प्ली यही रहती है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास एक चाइल्ड है। तो ऐसे कंडीशंस पे जो है वाइफ की जो प्लीज है वो एंटरटेन की जा सकती है। अगर हस्बैंड जाएगा तो उसकी जो प्लीज है बहुत रेयर केस में ही एंटरटेन की जाएगी, अनलेस कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर डिसेबल्ड है या फिर कोई मतलब बहुत सिकनिंग कंडीशन में है या फिर उसके बाद हस्बैंड भी बच्चों को कस्टडी बच्चों के पास जो हस्बैंड के पास ही कस्टडी है बच्चों की और वाइफ अलग रह रही है और वाइफ का कोई परवाह नहीं है, तो ऐसे केस में वाइफ को कुछ थोड़ा अमाउंट दे के कह सकते हैं कि हाँ जो वाइफ ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है वो हस्बैंड बेयर करेगा। तो ऐसे में बहुत रेयर केस में ही वाइफ की जो मतलब हस्बैंड की जो प्ली है एंटरटेन की जाती है, अदरवाइज जो सिग्निफिकेंट केसेस लेवल पे सिर्फ वाइफ की प्ली से एंटरटेन की जाती है। अच्छा अब ये तो सारे क्लियर हो गया होगा जो केस के ट्रांसफर के बारे में। अगला आता है कि किस तरीके से केस फाइल किया जाए। देखिए केस जो है जैसे कोई भी जनरल केस होता है उसी तरीके से फाइल किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, अगर आप केस फाइल कर रहे हैं देखिए हर स्टेट ने अपने रूल्स बनाए होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो कईयों के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं केस फाइल करने के। कई स्टेट्स ये कहेंगी फाइलिंग काउंटर में जाइए फाइल कीजिए, अब तो ई फाइलिंग भी कई जगह चालू हो गया लेकिन फैमिली कोर्ट्स में ई फाइलिंग मेजॉरिटी के नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मतलब सारी स्टेटों में तो नहीं है। और जो अगर केस फाइल करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जो भी पटीशन है आपके पास ड्राफ्टेड पटीशन होनी चाहिए, उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए, जैसे 2 सेट्स या 3 सेट्स जो भी आपसे रजिस्ट्री मांगती है वो 3 सेट्स पे आपको देना पड़ेगा, साथ एक फाइलिंग कवर देना पड़ेगा, साथ में कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और साथ में जो है कोर्ट फीस होती है वो देनी पड़ेगी। 200 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ है, 300 है, 500 है, जो भी कोर्ट फीस है हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको फाइलिंग काउंटर पे ये सब फाइल करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द फाइल कवर के साथ, तभी आपकी जो पटिशन है वो स्क्रूटनी के लिए जाएगी। स्क्रूटनी जो मीन्स पहले जो पटिशन को देखा जाएगा कोई मटेरियल डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसको पहले स्क्रूटनाइज किया जाएगा, कोई डिफेक्ट्स होंगे वो रिटर्न कर दी जाएगी ताकि आप उस डिफेक्ट्स को रिमूव कीजिए, और रिमूव करने के बाद रीफाइलिंग कीजिए ताकि तभी मैटर जो होता है वो रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो इसलिए ये फाइलिंग है, ये सिर्फ ये फाइलिंग का प्रोसीजर है। अब फॉर्मेट क्या, देखिए फॉर्मेट क्या होता है डिवोर्स पिटीशन का, हर स्टेट अपना एक फॉर्मेट बनाती है, वैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर नहीं लिखा कि इस तरह से फाइल करनी है, ना ही हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिख रखा है, लेकिन एक प्रॉपर जो होता है वो जैसे आमतौर पर जो पिटीशन फाइल की जाती हैं वो उसी फॉर्मेट पर आपको भी इसको फाइल करना है। इसमें जैसे कि एक इंडेक्स होना चाहिए, आपका केस टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, और एक चीज जो जरूर ध्यान दीजिए कि डिटेल्स ऑफ द पार्टीज होना बहुत जरूरी है। अगर स्टेटस ऑफ द पार्टी और डिटेल स्टेटस ऑफ द पार्टीज भी बताना बहुत जरूरी है कि पहले मैरिज से पहले कहां रह रहे थे, उनका स्टेटस क्या था, दोनों नॉन अनमैरिड मतलब नेवर मैरिड थे, बाद में जो मैरिज के बाद जो स्टेटस है वो क्या है, वो कहां रह रहे हैं, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, और ये सारा पूरा स्टेटस बताना पड़ेगा। सिबलिंग बच्चे हैं तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी बच्चे हैं के बारे में, तो ये सारा पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में, और फिर उसके बाद अपने नरेशन करने होंगे, फैक्ट्स क्या थे, क्या क्या कब मैरिज हुई, कैसे मैरिज हुई, सारा पूरा डिटेल्स बताइए, क्या क्या जो बीच में डिफरेंसेस है सारा बताइए, पूरा अपना क्रोनोलॉजिकल मैनर पे बताइए, डेट्स के साथ बताइए, मान लीजिए 2015 किसी की शादी हुई और 2015 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, जो मंथ्स वाइज है वो पूरा का पूरा जो भी नरेशन है, जो जो घटना घटी है आपके सामने, जो जो भी आपके साथ इवेंट्स हुए हैं वो सारे अपने फैक्ट्स के अंदर मेंशन कीजिए, और फिर उसी फैक्ट्स के अंदर आप उन्हीं पर ग्राउंड्स बनाइए कि हाँ ये मतलब मतलब जो कंडक्ट है वाइफ का वो इस तरीके से है कि वो साथ अनबेरेबल है रहना, या फिर आप फर्दर साथ रहने से हेल्थ और जो मेंटल पीस पे डेंजर होगा या डिसेशन कर दिया है, तो सारे जो ग्राउंड्स हैं वो आपको ड्राफ्ट करने होंगे, और उसके बाद फिर आपको कॉज ऑफ एक्शन भी लिखना पड़ेगा, कॉज ऑफ एक्शन भी क्या होना चाहिए कि पहला कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर हुआ, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन यहाँ हुआ, और कॉज ऑफ एक्शन अगर कंटिन्यूइंग है तो वो लिखना पड़ेगा कि कंटिन्यूइंग नेचर पे है, और मान लीजिए डेजेशन 2 साल से ऊपर का हो गया तो लिखना पड़ेगा कि डेजेशन 2 साल से है, हो चुका है और इसलिए कंटिन्यूइंग नेचर है, तो सारा कॉज ऑफ एक्शन भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, और फिर एज यूजुअल फिर डिक्लेरेशन भी देना जरूरी है आपको
कि कोई मैंने इसके अलावा कोई पटिशन फाइल नहीं कर रखी है। अगर मान लीजिए कोई पटिशन पहले से डिसमिस हो गई है और कोई फर्दर ग्राउंड्स बने हैं और फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर आप इससे कुछ कोई चीज़ को छुपाते हैं तो फिर 340 CRPC का भी एक एप्लीकेशन लग सकती है आपके ऊपर। उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा। फॉल्स डिक्लेरेशन के ऊपर भी जो 340 CRPC के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज्यूरिस्डिक्शन क्लॉज है, वो भी लिखना बहुत जरूरी है कि हाँ ये कोर्ट की जो पावर है हाँ इस केस को एंटरटेन करने की, और ये जो हमारा हाउस है जो पटिशनर का जो रेजिडेंस का जो हाउस है वो लोकेटेड यहाँ है, तो ये कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है इस केस को एंटरटेन करने की और ग्रीवेंसेस को सुनने की। तो ये सारी पूरी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी पटिशन में। फिर प्रेयर क्लॉज जरूर लिखना है कि किस लिए फाइल कर रहे हैं, कि टू ग्रांट ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स है, सेक्शन जो भी अंदर है वो मेंशन कीजिए, ये चाहिए। क्योंकि अगर प्रेयर क्लॉज नहीं लिख रहे हैं, ऐसे फैक्ट से लिख रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो आपकी आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्रेयर क्लॉज को काफी केयरफुली ड्राफ्ट कीजिए, वेरीफाई जरूर कीजिए उस पिटिशन को कि ये सारे पैराग्राफ्स हैं वो ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ है, ये सारा जरूर लिखना है आपको। साथ में सपोर्टिंग एक एफिडेविट भी डालना पड़ेगा साथ में, जो भी आपने प्लेडिंग्स में मतलब जो भी फैक्ट्स मेंशन किए हैं उसको आप अफर्म्ड करेंगे, सोलेमन डिक्लेरेशन के साथ अफर्म करेंगे। साथ में एक सपोर्टिंग एफिडेविट भी सबको देना पड़ेगा, और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैरिज कार्ड हो गया, अपना आई कार्ड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और जो जो इवेंट्स आपके पास एविडेंस भी हैं, जो 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 भी आप आगे एग्जिबिट बनाना चाहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी पिटीशन के साथ जरूर अटैच कीजिए। अगर आपके पास है आप नहीं अटैच कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपके एट द टाइम जब आपने केस फाइल किया तब आपने क्यों नहीं ये आपने मतलब सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने कोर्ट मतलब पिटीशन के साथ लगाए। तो इसलिए पूरी तरह कैजुअल वे में कभी मत कोर्ट में फाइल कीजिए पिटीशन, पूरे सा प्लान्ड मैनर पे किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर ले लीजिए। अगर नहीं ले सकते हैं तो किसी से टेक्स्ट मटेरियल्स होता है नेट में, काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होगा, उसको आप सर्च कर सकते हैं, और मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ द पिटीशन है वो जरूर देख सकते हैं। बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स पे भी मिल जाएगा आपको इस तरह का देखने का। तो इसलिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ कि किस किस लिए जानना जरूरी है, इसलिए भी आपका वो जो पार्ट है वो कवर्ड होगा। तो ठीक है, तो अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडेक्स के साथ देना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है, ये मैंने क्यों बताया ये आपको, क्योंकि देखिए जब से फैमिली कोर्ट बनी है एडवोकेट्स को डिबार किया गया है किसी भी क्लाइंट के साथ आने के लिए। एडवोकेट्स कैन नॉट फाइल अ केस ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर अनलेस The courts grants them the special, unless courts grant him the leave to file the case, to leave to appear on the behalf of their either the petitioner or the respondent. Advocates को debar किया गया है। Section 13 Family Court Act ये कहता है कि advocates are not allowed to appear before them. लेकिन agitations हुई, ये हुआ मतलब तो कि मतलब advocate की जो requirement हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगी, क्यों drafting के लिए, और क्योंकि टेक्निकल स्किल्स होती हैं, टेक्निकल नॉलेज होती है, वो सिर्फ एडवोकेट को भी पता होंगी कि ये सारी इस तरह, क्योंकि रोज का काम होता है उनका, ये फॉर्मेट इस तरीके का चाहिए, ये इसमें आपको एविडेंसेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, आपको प्रे क्लॉज ऐसे लिखनी है, क्योंकि कॉमन लेमैन के पास ये नॉलेज नहीं रहती है। आज का बेशक इंटरनेट आ गया है, लेकिन जो आदमी ने लॉ किया हुआ है, 3 ईयर्स का कोर्स किया हुआ है, प्लीडिंग्स एंड कन्विंसिंग के जो पेपर्स पड़े हुए हैं, फैमिली लॉ पढ़ा हुआ है, नेचुरली उसकी नॉलेज कंपेरेटिवली सुपीरियर होती है जो लेमैन पर्सन होता है। तो इसलिए एडवोकेट्स का रोल जरूर को मिनिमाइज मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको अगर आप इन पर्सन केस फाइल कर रहे हैं, इन पर्सन केस के साथ अगर आप एडवोकेट रखना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन जरूर फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 13 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत, जिस उसमें सामने आपको पहले अपीयर होना पड़ेगा, कोर्ट आपको लिबर्टी कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करेगी, तभी एडवोकेट अपीयर हो सकता है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि नॉर्मली जैसे दूसरे केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, वकालतनामा दे देते हैं, वकालतनामा दे दिया, पावर टॉनी दे दी एडवोकेट को, और फिर क्या होता है, एडवोकेट ही अपेयर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ दी जो पिटिशनर और द रिस्पोंडेंट। लेकिन इस केस में क्या होगा कि पहले पार्टी को खुद फाइल करना पड़ेगा, बेशक साथ एडवोकेट लेके जा रहा है आपके साथ, लेकिन फर्स्ट हेयरिंग में पार्टी को अपेयर खुद होना पड़ेगा और उसके साथ एप्लीकेशन खुद लगानी होगी। एप्लीकेशन के बाद ही इंसिस्ट करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के सामने वो जो आपको प्रेयर लगानी पड़ेगी कि हाँ मुझे एक एडवोकेट की जरूरत है, जो मेरा जो इसका जो पावर टॉनी जब वकालतनामा साथ लगा रखा है, कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्रेयर मांगनी पड़ेगी, कोर्ट अलाउ करेगी, तभी एडवोकेट अपेयर हो सकता है। और हर हेयरिंग डेट पे एडवोकेट
अलॉन्ग विद दी पार्टी इन पर्सन आना जरूरी होगा, क्योंकि जो भी प्रेजेंस लगेगी कोर्ट में वो ऐसे लगेगी कि पार्टी इन जो होगा, जैसे मान लीजिए पटिशनर है तो लिखा जाएगा पटिशनर इन पर्सन विद एडवोकेट एबीसी, जो भी नाम है वो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से उनकी अटेंडेंस बनेगी। तो इसलिए एडवोकेट का रिक्वायरमेंट जरूर है, मतलब डिबार टोटली नहीं किया गया है लेकिन एक्ट ने डिबार किया हुआ है, इसलिए जब तक कोर्ट परमिशन कोर्ट परमिशन नहीं देगी तब तक एडवोकेट अपेयर नहीं हो सकते। तो ये उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अब क्या होता है कि जब आप कोर्ट फाइलिंग काउंटर पे जब केस फाइल कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो आप केस फाइल करेंगे तो उसका स्क्रूटनी करेगी होगी, मान लीजिए कुछ पेजिंग नंबर या कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो कोर्ट वो रजिस्ट्री आपको कहेगी अपने डिफेक्ट्स रिमूव कीजिए, बहुत मेजर डिफेक्ट्स होंगे तो कहेगी पिटीशन ले जाइए और दो तीन दिन के बाद आके रीफाइलिंग कीजिए। तो इस तरह से आप आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर होने के बाद जो होगा मैटर है वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा और मैटर रजिस्टर्ड हो जाएगा। पहला मैटर रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड कैसे होगा, कोई भी जैसे केस नंबर होगा वो लग जाएगा आपके मैटर के ऊपर, जो भी आप टाइटल लिखेंगे, जैसे कोई भी फैमिली कोर्ट का मैटर हो गया तो HMA नंबर सो एंड सो करके वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैटर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लिस्ट होगा, मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दो फैमिली कोर्ट होंगे उसमें दो या तीन जजेस होंगे तो किस जज के पास लगनी है, किस ऑनरेबल जज के पास लगनी है, किस प्रिंसिपल जज के पास लगनी है, तो वो मैटर जो है वो लिस्टेड किया जाएगा कि इस डेट पे आपका जो मैटर है वो लगेगा। तो फिर क्या होगा, अगला क्वेश्चन उठता है फिर क्या होगा, देखिए पहला डेट ऑफ हियरिंग में क्या होगा, कोर्ट जो है वो हेयर करेगी मैटर को, देखेगी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है और फिर रूटीन मैनर पे जो है वो नोटिस इशू कर देगी। कुछ क्वेश्चन भी पुट अप कर सकती है, मान लीजिए जरूरी नहीं कि 100% ही नोटिस इशू होगा, मान लीजिए जैसे पार्टी अपेयर ही नहीं हुई है तो नेचुरली उसकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, तो उसमें फिर अडजॉइंट कर देगी या फिर डिसमिस बाय डिफॉल्ट कर देगी अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी नहीं आती है, तो फिर रेस्टोरेशन लगानी पड़ सकती है इस केस में। इसलिए पहले जब भी हियरिंग डेट होती है उसमें पार्टी का आना बहुत जरूरी है, पार्टी से स्क्रूटनी करेगी, उसका जो डिटेल्स होंगी मैरिज कार्ड या जो भी डिटेल्स होंगी वो वेरीफाई करके जो होगा वो नोटिस इशू के लिए भेज देगी, नोटिस इशू करने के लिए भेज देगी। आप ये पूछते हैं, अगला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर सर्विंग ऑफ द नोटिस। देखिए नोटिस जो है, क्योंकि ये सिविल इन नेचर है, डिवोर्स जो है वो सिविल इन नेचर है, ऐसे नहीं कि कोर्ट जाएगी और आप मतलब सारा कुछ कोर्ट के ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन इसमें क्या है जो नोटिस है वो दो तीन मोड से भेजा जाता है, कई अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कई जगह हो गया है और कई जगह अभी भी वैसे चल रहा है, मतलब ओल्ड मेथड्स चल रहे हैं, उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा, प्रोसेस फॉर्म में कोर्ट फीस होगी वो देनी होगी और अमाउंट ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स है वो देने होंगे, मान लीजिए एक सेट एक ही पार्टी डिवोर्स में तो एक ही पार्टी होती है तो आपको सिर्फ एक सेट होगा वो देना पड़ेगा उस साथ में कि, और साथ में प्रोसेस फॉर्म होगा वो भरना होगा, साथ में कोर्ट फीस होगी वो देनी होगी, और साथ में अगर डायरेक्शंस दिए हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजना तो एनवेलप और जितने भी जो अमाउंट ऑफ टिकट्स हैं स्टैम्प्स हैं वो कोर्ट डिपॉजिट करनी पड़ेंगी, जो उस हिसाब से जो है कोर्ट है जो मतलब जो अलमत होंगे या जो भी कोर्ट का जो ब्रांच ऑफिस होगा वो जो होगा डिस्पैच करेगा ताकि नोटिस हैं वो उस अपोजिट पार्टी को सर्व हो जाए। तो देखिए ये पॉइंट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं क्या होगा फिर आफ्टर सर्विंग नोटिस क्या होगा। ठीक है, नोटिस अगर सर्वड हो गया तो दो ऑप्शन होंगे, मान लीजिए किसी हस्बैंड ने केस फाइल किया, वाइफ को नोटिस मिल गया, तो एक चीज हो सकती है वाइफ अपेयर ही ना हो, और अगर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो रिस्पॉन्डेंट है अपेयर हो जाए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो अपेयर हो जाए। अब दो क्वेश्चन उठते हैं, मान लीजिए नोटिस सर्व हो गया, पार्टी ने नोटिस रिसीव कर लिया, पार्टी अपेयर ही नहीं होती है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट पहले वेरीफाई करेगी कि हाँ नोटिस जो है या ट्रैकिंग रिपोर्ट से देखेगी कि हाँ नोटिस जो है वो ड्यूली सर्वड हो चुके हैं, पार्टी डिलिबरेटली एब्सेंट हुई है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, उसको या तो उसी डेट पे या अगली डेट पे एक्स पार्टी ट्रीट कर दिया जाएगा, और अगर मान लीजिए पार्टी अपेयर हो जाती है तो फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग चलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम कि क्या होगा एक्स पार्टी में। देखिए एक्स पार्टी होने से मतलब ये नहीं कि आपका केस टोटली आपके फेवर में हो गया, एक्स पार्टी से ये मतलब ये होता है कि जो डिफेंस है अपोजिट पार्टी का वो कट जाएगा, तो जब तक वो उसको सेट असाइड नहीं कराते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन लगा के सेट असाइड नहीं कराते हैं उस एक्स पार्टी ऑर्डर को, तब तक अपोजिट पार्टी को नहीं सुना जाएगा, फिर सिर्फ ऑप्शन रह जाएगी पिटीशनर के सामने, और पिटीशनर को कहा जाएगा कि आप अपने पिटीशनर एविडेंसेस हैं
एक्स पार्टी पेटिशनर एविडेंस है, इसनी डेट को लेकर आइए। तो मींस जो केस होगा वो सिर्फ मेरिट्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा पेटिशनर की जो प्लीज के ऊपर, और जो अगर उसमें कुछ मेरिट्स लगेगा तो उसी आधार पे जो होगा एक्स पार्टी ऑर्डर जो होगा वो दिया जाएगा। एक्स पार्टी इवन डिवोर्स भी ग्रांट किया जा सकता है अगर पार्टी इस दौरान अपेयर ही नहीं होती है। तो देखिए ये हो गया, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एक्स रेस्पॉन्डेंट इज ट्रीटेड एज एक्स पार्टी। तो यही ये बताया है कि अगर उसके बाद ही सारी प्रोसीडिंग्स होने के बाद ही जो डिग्री दी जाएगी उस डिग्री को कहेंगे एक्स पार्टी डिग्री। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर पार्टी अगर रेस्पॉन्डेंट अपेयर हो जाता है, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए अगर रेस्पॉन्डेंट अपेयर हो जाता है तो फिर क्या होगा। पहली डेट ऑफ हियरिंग के बाद यह मैंडेटरी हो चुका है कि अपोजिट दोनों पार्टीज को मेडिएशन में भेजा जाए। मेडिएशन में इस क्यों भेजा गया जाने के लिए क्या, क्योंकि देखिए आप आपस में काफी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, होने लग पड़े हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं अगर मान लीजिए। तो कोर्ट कोशिश यही करती है, फैमिली कोर्ट इसलिए बनाई गई है कि डिवोर्स को जितना हो सके मिनिमाइज किया जा सके, या फिर आप पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें, ताकि एक तो कोर्ट का भी टाइम बचेगा, और अगर अगर मान लीजिए डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं तो फिर कोर्ट जनरली यही इंसिस्ट करती है कि म्यूचुअल कंसेंट पे आप डिवोर्स ले लीजिए। क्योंकि डिवोर्स जो है वो जो प्रोसीडिंग्स जो मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ ये काफी सालों साल चलती है, तो मिनिमम एक दिन का काम नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है वो सबसे ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, जो कि अगर पार्टी एक साल से अलग रह रही है तो 6 महीने में उनको म्यूचुअल एमसीडी जिसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है आसानी से मिल जाता है। और अगर पार्टी एग्री हो जाती है कि हम साथ रहना चाहते हैं, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, तो कोर्ट जो है स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेती है, और स्टेट रिकॉर्ड करने के बाद ही जो केस को डिस्पोज कर देती है। तो ऐसे में यही है कि पहली कोशिश यही रहती है कि कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को मेडिएशन के सामने भेजती है, जहाँ की मेडिएशन करके मेडिएशन में क्या कौन होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, या फिर एडवोकेट होते हैं, ट्रेंड एक्सपीरियंस एडवोकेट होता है, वो अपॉइंटेड किया जाता है कोर्ट में, वो उस मेडिएशन में अटेंड करते हैं प्रोसीडिंग्स को, कोशिश करते हैं दोनों पार्टीज को आपस में समझौता कराया जा सके, क्योंकि फैमिली मैटर होता है, समझौता कराया जा सके और जो है किसी कॉम्प्रोमाइज पे आया जा सके, कोर्ट का भी टाइम बच सके और जो है पार्टीज को भी नुकसान ना हो। तो इसलिए पर्पस यही होता है मेडिएशन का। अगर क्वेश्चन उठता है कि अगर मेडिएशन फेल हो जाता है, मान लीजिए आप 498 के केसेस ही मान लीजिए चलिए, ग्रीडी कई पार्टीज ग्रीडी होती हैं, कहते नहीं जी हम इनको हरास करेंगे, हम इनको तंग करेंगे, तो फिर क्या होता है कि या तो अमाउंट इतना मांग लेते हैं कि उनके पैसे देने की मतलब जो अपोजिट पार्टी है जो हस्बैंड है उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि दे सके, तो जाहिर है ऐसे केस में मेडिएशन फेल हो जाता है। मेडिएशन फेल हो जाता है तो कोर्ट मेडिएशन की रिपोर्ट को कुछ नहीं देखती है कि मेरिट्स नहीं देखती क्यों फेल हो गया किस लिए हो गया, वो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी मेडिएशन की वो एज एन एविडेंस के तौर पे नहीं यूज की जाएंगी, सिर्फ मेडिएशन का अगर फाइनल जो रिपोर्ट आती है उसी को देखा जाएगा। अगर सिर्फ दो एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, सक्सीड और फेल्ड। अगर मान लीजिए सक्सीड हो गया तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाएगी और केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा, और फेल हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी कि आप अगली जो प्रोसीडिंग्स में आप जो फॉलो अप फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं उस पे पार्टीज को कहेगी कि आप उस डेट पे आप अपेयर होइए। तो अब क्या होता है, मान लीजिए अब मेडिएशन फेल हो गया और कोर्ट ने रिपोर्ट भी देख ली है कि मेडिएशन फेल हो गया, तो फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो मेडिएशन की रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में ले लेती है और डेट दे देगी कि नेक्स्ट डेट पे रिस्पॉन्डेंट, अगर मान लीजिए हस्बैंड है तो हस्बैंड हुआ, वाइफ हुई तो वाइफ, कि रिस्पॉन्डेंट डेफिनेटली अपनी एक रिटर्न स्टेटमेंट है वो कोर्ट में फाइल करें, तो और टाइम दे देती है कि हाँ 2 महीना 2 महीने का टाइम दे देती है, जो भी टाइम होता है महीने का टाइम दे देती है कि आप अपनी 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जो भी प्लीडिंग्स जो भी उन्होंने पटिशन लिखी अपने जो अवर्मेंट्स लिखी हैं जो स्टेटमेंट लिखी हैं उसको अगर आप रिफ्यूज करना मतलब डिक्लाइन करना चाहते हैं या अपोज करना चाहते हैं तो आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में वो सारे फैक्ट्स हैं वो लिखिए। तो इसलिए अपोजिट पार्टी को टाइम दिया जाता है रिटर्न स्टेटमेंट वो अपनी फाइल करें, और साथ में अपॉर्चुनिटी भी दी, कई बार कई कोर्ट्स देती हैं कि हाँ मान लीजिए 4 वीक्स का टाइम दे दिया और 2 वीक्स का टाइम फर्दर दे देती है कि पटिशनर को कि आप भी चाहें रेप्लीकेशन, एक रेप्लीकेशन वर्ड यूज होता है जो सिविल प्रोसीजर कोड में यूज किया जाता है रेप्लीकेशन। तो मींस रेप्लीकेशन क्या होता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट में कोई ऐसी एलिगेशंस लगा दी गई हैं और पिटिशनर चाहे उसको उसकी जो एलिगेशंस को अपोज करना चाहता है तो वो रेप्लीकेशन के द्वारा उस चीज की जो भी काउंटर एलिगेशंस को अपोज कर सकता है। जो ऑलरेडी एलिगेशंस लगा रखी हैं उसको रेप्लीकेशन में नहीं लिखना है, जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो एलिगेशंस लगा दी गई हैं उसको जो है अपनी रेप्लीकेशन के द्वारा रेप्लीकेशन में हस्बैंड चाहे वो फाइल कर सकते हैं। रेप्लीकेशन कोई ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी एक दे दी जाती है कि आप
जो है एप्लीकेशन फाइल करें। जब देखिए पिटीशन भी फाइल हो गई, रिटर्न स्टेटमेंट भी हो गई और हस्बैंड ने रेप्लीकेशन भी दे दिया, अगर दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी है, तो कोर्ट क्या करती है इसके बाद, वो कहती है कि प्लीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, मींस अब आरोप प्रतिरोप का जो काम है वो खत्म हो चुका है, जो आपने लिखित में दे दिया ऑपोजिट पार्टी ने और लिखित में अपोज कर दिया, अब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद लोग पूछते हैं अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखिए यही होगा कि इश्यूज जो होंगे वो फ्रेम किए जाएंगे। इश्यूज ये है कि वेदर हस्बैंड इज एंटाइटल्ड फॉर अ डिग्री ऑफ द डिवोर्स, वेदर द ऑपोजिट पार्टी हैज कॉज्ड क्रूएल्टी टू द वाइफ, वेदर ऑपोजिट पार्टी हैज कॉज्ड डिसीजन टू द हस्बैंड, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इश्यूज हैं वो लिखे जाएंगे अपोजिट पार्टी की साइड से भी और रिस्पॉन्डेंट की साइड से भी। अगर कोई इश्यू एक्स्ट्रा लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये चीजें जो प्लीडिंग्स में लिखे वो प्रोपोर्शन प्लीडिंग्स में जरूर कवर होना चाहिए। तो ये तो हो गया इश्यूज का। अब फिर क्या होता है, फिर साथ में ये भी डायरेक्शन दे देती है कि पेटिशनर को डायरेक्शन दी जाती है कि आप अपने लिस्ट ऑफ द विटनेसेस हैं वो फाइल करें, जो पेटिशनर को डायरेक्शन दे जाती है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं वो फाइल करें, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस होंगे उसी में ही, उसी के थ्रू ही कोर्ट है वो समन इशू करेगी। वैसे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्योंकि ये सिविल केस होता है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है हस्बैंड की कि वो अपने एविडेंस लेकर आए। अगर कोई मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है और हस्बैंड को जो पिटिशनर है उनको लग रहा है कि वो विटनेस अपेयर नहीं हो पाएगा उसके थ्रू, तो कोर्ट के थ्रू समन भी भिजवाया जा सकता है उसको, ताकि वो भी आके अपनी जो गवाही है वो दे सकते हैं। तो पहले तो ये होगा जो भी लिस्ट ऑफ विटनेस में जो मैनर होगा उसी मैनर पे जो उनके एविडेंसेज है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन उठता है हाउ द पिटिशनर एविडेंस इज रिकॉर्डेड। देखिए पहले तो जब एडीजे की कोर्ट थी तब तो सिर्फ ऑरल होती थी टेस्टिमनी, लेकिन वर्कलोड बहुत हो गया है और केसेस बढ़ते हैं तो हर विटनेस की जो ऑरल रिकॉर्डिंग है जो है वो पॉसिबल नहीं है, हो पाती है। जब से फैमिली कोर्ट्स बनी है तो जो भी विटनेस होगा वो अपनी जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी अपनी डिपोजिशन कराना चाहते हैं वो एक एफिडेविट के बेसिस पे, जिसे कहते हैं एविडेंसेस बाय द वे ऑफ एफिडेविट, एविडेंसेस बाय द वे ऑफ एफिडेविट के माध्यम से वो अपना जो भी एविडेंस है वो दे सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, देखिए एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट में हर जो भी पार्टी होती है, जो भी विटनेस होता है, वो हर चीज बयान विटनेस बॉक्स में आके एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन बेशक आप कर सकते हैं उसका, लेकिन हर बयान जो है डिस्क्रिप्शन नरेशन फॉर्म में वो नहीं कर सकता है। इसलिए एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एक तो सफिशिएंट टाइम मिलता है उसको सोचने का कि क्या क्या डिपोज करना है, और जो भी प्लीडिंग्स में जो कवर किया गया है वो उसी को आप अफर्म्ड करके सोलेमन डिक्लेरेशन के अंदर, सोलेमन अफर्मेशन के अंदर एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि उसको जब एविडेंस वे ऑफ एफिडेविट जब फाइल करेंगे तो एक कॉपी जो होगी वो अपोजिट पार्टी को देनी होगी, लेकिन वो तब तक एडमिसिबल नहीं है जब तक कोई स्पेसिफिक डेट पे, जो भी डेट कोर्ट अपॉइंट करती है उस डेट पे आकर आप उस एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट को टेंडर्ड नहीं कर देते हैं। टेंडर्ड मींस वो कि मैंने ये एफिडेविट जो है मैंने खुद फाइल किया है, जो मैंने खुद मतलब अपने किसी एडवोकेट की डायरेक्शंस पे फाइल किया है, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा एफिडेविट है और उसको मार्किंग देनी पड़ेगी इस एफिडेविट में। मान लीजिए आप पेटिशनर है, हस्बैंड है, उन्होंने अपना एक एफिडेविट फाइल किया है, तो उस एविडेंस को, उस एफिडेविट को एक मार्किंग दी जाएगी, उस नंबर देंगे PW1A करके कि हाँ ये एफिडेविट है, इसको मैं मार्क करता हूँ, इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, उसका जो सिग्नेचर है वो मेरे सिग्नेचर है। तो जब तक वो टेंडर नहीं कर देते हैं तब तक वो एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट जो है वो मान्य नहीं होगा। तो सिमिलरली जो कोई दूसरा विटनेस आते हैं वो भी अपना टेंडर करना चाहते हैं एविडेंस, तो ऐसे होगा मार्किंग, ऐसे होगी PW2A करके, इस तरह से मार्किंग जो है वो की जाएगी। अगर मान लीजिए तीसरा विटनेस है तो फिर उनकी विटनेस की ऐसी रिकॉर्डिंग होगी, पहले जैसे 2 है तो 2A करके होगा, अगर तीसरा विटनेस है तो 3A करके ऐसे करके होगा। तो इस तरीके से जो है वो अपना जो है एफिडेविट है वो टेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही विटनेस है तो PW1A करके कर सकते हैं। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करना चाहते हैं उनको एक एग्जिबिट्स के तौर पे आपको टेंडर करने होंगे, और उसकी भी एक कॉपी है वो अपोजिट पार्टी को देनी होगी।
तो टेंडर एग्जाम मान लीजिए अगर आपने कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे करेंगे PW P1A P2 P3 P4, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज है वो यूज की जाएंगी। अगर एक से ज्यादा विटनेस है तो फिर PW1A PW1 2 PW3 ऐसे करके आप करा सकते हैं। तो इस तरह के जो नंबरिंग होती है वो ताकि कोर्ट आइडेंटिफाई कर सके। टेंडर कर देना और एग्जिबिट्स बना देना ये सफिशियंट प्रूफ नहीं है कि डॉक्टर कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिसिबल हो गया। सिर्फ इससे ये होता है, एग्जिबिट का मतलब ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि कोर्ट भी जब फाइनल एडजुडिकेट करेगी तो वो इसके कंटेंट्स को मेरिट्स को देखेगी। तो सिर्फ ये मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया है। डॉक्यूमेंट प्रूफ का और टेंडर करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आप ये अपने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फाइल किए थे प्लीडिंग मतलब जो पिटीशन के साथ जो फाइल किया था वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने एफिडेविट के साथ आपको वो टेंडर करने होंगे। तो अब ये लिखा है कि कैन अपोजिट पार्टी प्ले कैन प्लेस द ऑब्जेक्शंस व्हाइल टेंडरिंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ बिल्कुल उनके पास पूरी पावर है मतलब पूरी मतलब लिबर्टी है कि वो अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं तो वो एडमिसिबिलिटी या मोड ऑफ प्रूफ या रेलिवेंसी किसी के ग्राउंड्स पे भी आपके आपके डॉक्यूमेंट पे जो है ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं ताकि जो कोर्ट है उनकी ऑब्जेक्शंस को भी देखेगी। मान लीजिए कोई फेक डॉक्यूमेंट बना दिया है वो डॉक्यूमेंट आपने टेंडर कर दिया है तो अपोजिट पार्टी चाहेगी तो इसको कह सकती है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है या टाइप मेड डॉक्यूमेंट है और या फिर इसकी ओरिजिनलिटी को चैलेंज कर सकती है। तो इस तरह से वो अपनी जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज कर सकती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब डॉक्यूमेंट पेटिशनर ने अपने एविडेंस टेंडर कर दिए और डॉक्यूमेंट भी टेंडर कर दिए तो फिर उसके बाद क्या होता है। देखिए उसके बाद क्या होता है कि एक डेट दी जाती है या तो उसी डेट पे या फिर अगर लेंथी टाइम मतलब पॉसिटिव ऑफ टाइम है टाइम नहीं है कोर्ट के पास तो नेक्स्ट डेट देगी और कहेगी आप इसे अगर आपने एफिडेविट पढ़ रखा है उसका तो टाइम देगी कि आप इनके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। ऑपोजिट पार्टी पेटिशनर का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई सीमा नहीं है किसी भी लेवल तक किया जा सकता है लेकिन स्कैंडलेस क्वेश्चंस या फिर रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछने पे पाबंदी लगाई जाती है। कोशिश यही रहती है कि कोर्ट अलाउ उन्हीं क्वेश्चंस को करती है जो कि रेलिवेंट है या फिर जो एफिडेविट में जो जो इश्यूज उठाए गए हैं उससे संबंधित है। इसका मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ वहीं तक ही लिमिट रहेंगे कि एफिडेविट तक, उससे भी हटके भी पूछे जा सकते हैं अगर वो जो क्वेश्चन है रेलिवेंट है। और स्कैंडलेस क्वेश्चन और इंडिसेंट क्वेश्चन पे कोर्ट की पावर होती है ऐसे क्वेश्चन पर रोक लगाने की। तो और एविडेंस रिकॉर्ड होता है या तो लोकल कमिश्नर करेंगे रिकॉर्ड कराते हैं और कहीं हमें जैसे कंप्यूटर होता है कंप्यूटर के ऊपर ही जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा दोनों की प्रेजेंस में। तो ये हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। जब क्या मैं रिसीव कर सकता हूँ डेली डे टू डे प्रोसीडिंग्स की? बिल्कुल आप हर डेली ऑर्डर भी है कोर्ट से आप ले सकते हैं और जो भी अगर आपने एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन की जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए दस्तावेज चाहिए वो साथ साथ आप कोर्ट से निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफाइड कॉपी की एक फॉर्म आती है स्टेशनरी की शॉप होती है जहां पे कोर्ट रिसाइड करती है तो उनका एक अपना स्पेशल फॉर्म बना होता है उस फॉर्म को आप फिल करके कोर्ट फीस लगा के कोर्ट से पहले अलाउ करवा के फिर आप या तो कोर्ट ही भेज देती है रजिस्ट्री उसके पास कॉपिंग सेल पे या फिर आप खुद कॉपिंग सेल में जाके फिर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फीस है वो जमा करा सकते हैं। जब कॉपी यूजली 3-4 दिन में प्रिपेयर हो जाती है 3 दिन में प्रिपेयर हो जाती है अगर अर्जेंट कॉपी है 3 दिन बाद आके आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ जो भी चाहिए सर्टिफाइड कॉपी आप उसकी कॉपी आप ले सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पेटिशनर एविडेंस। देखिए पेटिशनर के सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है सारे एविडेंस होने के बाद पेटिशनर को विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है नेक्स्ट विटनेस को लाइए। सिमिलरली सारे विटनेसेस जब हो जाते हैं फिर एक डेट होड़ दी जाती है लास्ट में कि और कोई डॉक्यूमेंट जो रह गया हो वो आप फाइल कर सकते हैं अगर कुछ अमिट हो गया हो जब ड्यू डिलीजेंस के बाद से भी आप वो डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर सके या फिर इस दौरान कोई नया डॉक्यूमेंट कोई इन्वेंट हो गया है तो वो सारे आप जो है क्लोजिंग ऑफ जो है पेटिशनर एविडेंस के दौरान वो फाइल कर सकते हैं। एक बार पेटिशनर एविडेंस क्लोज हो जाए फिर आपकी जो है आप जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाती है और फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो होती है रिबटल में जब आप वो किसी कारणवश वो नहीं फाइल कर सके या फिर उसको काउंटर करना चाहते हैं उस पर तो रिबटल का मकसद सिर्फ यही है कि जो आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोड्यूस कर देती है रिस्पोंडेंट जिसको आप
एज ए पेटिशनर एविडेंस के तौर पर नहीं प्रोड्यूस कर पाए, सिर्फ रिबटल में वो डॉक्यूमेंट आप फाइल कर सकते हैं। इसलिए केयरफुल रहना बहुत जरूरी है कि जब भी पेटिशनर एविडेंसेस क्लोज हो जाए, सारे के सारे जितने भी आपके पोजेशन में डॉक्यूमेंट हैं जिस पर आप रिलाई करना चाहते हैं, कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं, उस पर आप एट द मोमेंट फाइल कर दें। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी की मिलने की संभावनाएं बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। तो सिमिलरली फिर क्या होता है, फिर रिस्पॉन्डेंट के विटनेस भी इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं, और जो उनके जो विटनेस डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि जो आपने टेंडर किया था, पिटिशनर ने टेंडर किया था, वो PW1 करके किया था, इसमें जो टर्मिनोलॉजी से नंबरिंग है वो दूसरे, सॉरी जो 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 क्या कहते हैं, जो मोड है वो दूसरे तरीके से लिखा जाता है, जो RW1 करके लिखा जाता है, टर्मिनोलॉजी जो है वो दूसरे तरीके से लिखी जाती है। पिटिशनर के PW1 करके लिखी गई थी और रिस्पॉन्डेंट की RW1, RW2, RW3 ऐसे करके लिखी जाती है। फिर क्या होता है, देखिए जब इसमें भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही बताया जाएगा कि रिस्पॉन्डेंट एविडेंस को भी दी जाएगी कि आप अपने एविडेंसेस क्लोज कीजिए। इसमें रिस्पॉन्डेंट चाहे कोई नया डॉक्यूमेंट लगाना चाहे जो ड्यू डिलीजेंस के दौरान नहीं फाइल कर सके तो वो भी फाइल कर सकते हैं। फिर डेट दी जाती है रिबटल की। रिबटल में क्या है कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं जो पिटिशनर ने नहीं प्रोड्यूस कर सके हैं तो रिबटल में वो डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। और जब रिबटल एक दफा क्लोज्ड हो जाए फिर केस फिक्स हो जाता है आर्ग्यूमेंट्स के लिए। जब फिर डेट दे देती है कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स में। आर्ग्यूमेंट्स आप जो है ऑरल के साथ साथ रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऑरल के साथ अगर रिटन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके आर्ग्यूमेंट जब होते हैं तो जो जो आपने एविडेंस दिया है, जो जो क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी का आपने क्रॉस किया है, जो भी चीज़ें निकल के आई हैं और अपने जो केस को मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी आपने एविडेंसेस दिए हैं ताकि उस पर आप मार्किंग करवा सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के दौरान, और कोर्ट को आपने जो जो निकल के आई है बातें निकल के आई हैं जो आप प्रूव करना चाहते हैं, वो जो आर्ग्यूमेंट्स में आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर कुछ ऐसी साइटेशंस भी हैं, अगर कुछ जजमेंट्स हैं जिस पर आप रिलाई करना चाहते हैं कि पहली अपीलेट कोर्ट्स ने ऐसे ऐसे करके ऑर्डर्स दिए हैं, तो ये केसेस, ये जो रेशो ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं जजमेंट्स की, वो आपके केस पे भी बाइंडिंग बंद हो सकती हैं, तो वो जजमेंट्स भी आप आर्ग्यूमेंट्स के टाइम फाइल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स कर दिए अच्छे फॉर्म अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंट्स कर दिए, साथ में साइटेशंस भी दे दिए, तो कोर्ट एक व्यू पॉइंट बना लेती है कि ये जो है पिटिशनर का केस इस तरीके से है, उसने अपने एविडेंस इस तरीके से प्रोड्यूस किए, तो और सिमिलरली रेस्पॉन्डेंट भी का भी एविडेंस इस तरह से प्रोड्यूस किए, फिर उसके बेसिस पे जो भी वेबल होता है, जिसका भी जो जो, जो मतलब ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो होता है वो हस्बैंड के मतलब जो पार्टी के पिटिशनर के ऊपर होता है। अगर हस्बैंड जो पार्टी ने अगर वो अपना एविडेंसेस प्रूफ कर दिया है, इसमें कोई बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट नहीं होता, इसमें ये देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटीज किसकी ज़्यादा हाई है, किसका पलड़ा भारी है। अगर मान लीजिए पिटिशनर का पलड़ा भारी है और उसने प्रूफ कर दिया है एक जो हाई प्रोबेबिलिटीज के तौर पर, तो कोर्ट जो है वो डिवोर्स है वो दे सकती है। तो इस तरह से जो है पहले आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद एक डेट मुकर्रर कर देती है कि हाँ उस डेट को हम प्रोनाउंस करेंगे जजमेंट को। तो उसमें क्या होगा, प्रोनाउंसमेंट जब होता है या दो चीजें निकल के आएंगी, या तो डिवोर्स की जो पिटीशन है वो अलाउ कर दी जाएगी या फिर डिसमिस कर दी जाएगी। दो ऑप्शन रहते हैं बस, क्योंकि केस फाइल किया है, या अलाउ होगा या डिसमिस होगा। अगर मान लीजिए अलाउ हो जाता है तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इफ माई डिवोर्स पिटीशन इज अलाउ विल इट बी फाइनल, बिल्कुल नहीं। देखिए जब तक अपोजिट पार्टी के पास तब भी टाइम पीरियड रहेगा, एक लिमिटेशन पीरियड होता है, लिमिटेशन पीरियड तक अगर वो अपोजिट पार्टी फर्स्ट अपील नहीं फाइल करती है तभी आपकी जो डिवोर्स की जो पिटीशन है वो फाइनल मानी जाएगी। जो डिग्री सॉरी जो डिग्री जो मिला है डिवोर्स में वो आपका फाइनल माना जाएगा। अगर अगर रिस्पॉन्डेंट ने वो केस फाइल कर दिया है, अपील फाइल कर दिया है, तो मींस अभी जो अपील है वो पेंडिंग है। तो ऐसे में जब जो डिग्री है वो फाइनल नहीं होगी जब। हाँ अगर अपील जो है वो डिसमिस हो जाती है अपोजिट पार्टी की, तो फिर जो होगी डिग्री वो आपकी फाइनल हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, इफ माय डिवोर्स पिटीशन इज डिसमिस कैन आई फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट? हाँ जी बिल्कुल, आप अपने अगर मान लो डिवोर्स पिटीशन आपकी डिसमिस हो गई है तो आपके पूरा राइट है, आप अपनी फर्स्ट अपील अगेंस्ट फर्स्ट अपील ऑर्डर जो है हाई कोर्ट के समक्ष फाइल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है, इफ माय डिवोर्स पिटीशन इज अलाउड इन द फैमिली कोर्ट एंड द फर्स्ट अपील फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट, व्हाट अदर रेमेडीज आर अवेलेबल टू द रिस्पोंडेंट? देखिए मान लीजिए आपकी डिवोर्स की जो पिटीशन है वो अलाउ हो गई, रिस्पोंडेंट की जो अपील है वो डिसमिस हो गई है,
तब भी रिस्पॉन्डेंट चाहे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो अगर एडमिट होती है या स्टे मिलता है या वो आगे की बातें हैं, लेकिन उसके बाद रेमेडी रहती है, लेकिन जो ऑर्डर है वो फाइनल हो चुका होता है जब अगर अपोजिट पार्टी की जो अपील है वो डिसमिस हो जाती है। अब एक क्वेश्चन उठता है, इफ माय डिवोर्स पिटीशन इज डिसमिस बाय द फैमिली कोर्ट एंड माय फर्स्ट अपील इज आल्सो डिसमिस्ड, देन कैन आई फाइल दिस स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आपकी डिवोर्स भी डिसमिस हो गई है, फर्स्ट अपील डाली है वो भी डिसमिस हो गई है, हाँ बिल्कुल, आपके पास एक ही रेमेडी रह जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी स्पेशल लीव पिटीशन सिविल जो है वो फाइल करें। अब क्वेश्चन उठता है कि कैन आई चैलेंज दी एक्स पार्टी डिग्री ऑफ द डिवोर्स, हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर आपको एक्स पार्टी बना दिया गया, मान लीजिए वाइफ ने डिवोर्स का फाइल कर दिया केस और आप अपेयर नहीं हुए, या फिर वाइफ ने मतलब जो आप कंट्री में अपेयर थे रहते ही नहीं थे, दूसरी जगह रहते थे, या फिर गलत एड्रेस बता दिया, तो कई भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कोर्ट को सफिशिएंट कॉज जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं और रिजनेबल टाइम के अंदर ही फाइल कर देते हैं कि एप्लीकेशन जो है सेट असाइड की जाए इस ऑर्डर को, क्योंकि जो है वो सफिशिएंट कॉजेज थे, मैं हॉस्पिटलाइज था, या फिर मुझे पता ही नहीं चला, या फिर नोटिस मुझे सर्वड ही नहीं हुआ, जब मैं कंट्री में नहीं था, जब मेरा मकान ही प्रीमिसेस ही लॉक था, तो और जो जहां सर्कुलेशन की गई न्यूज़पेपर में जो निकाला गया वहां मैं रहता ही नहीं था, तो सफिशिएंट कॉजेज जब आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है। हाँ, अगर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट हैपेंस इफ द एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री इज डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देती है सेट असाइड की भी, मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर जो फाइल कर रहे हैं कि ऐसा एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, उस एप्लीकेशन अगर वो कोर्ट डिसमिस कर देती है, तो फिर आपके पास एक ही रेमेडी रहती है कि उस डिसमिसल ऑफ द एप्लीकेशन के ऑर्डर के ऊपर जो है वो फर्स्ट अपील फाइल की जाए। तो वो फाइल कहाँ होगी? हाँ, माननीय हाईकोर्ट के सामने। तो उम्मीद है ये सारे 30 क्वेश्चंस थे, 30 पॉइंट्स थे मैंने आपके समक्ष रखे, और उम्मीद है ये पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, आपकी जो क्वेरी को मैं वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।